चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से अगर आप पार्ट वन या पार्ट टू या पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं और बीए बीएससी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता है कि परीक्षा पैटर्न में नया बदलाव किया गया है और इस बार यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी या सब्जेक्टिव गेस पेपर कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, ऑनर्स पेपर में आपको जिस प्रकार से पहले एग्ज़ाम लिया जाता था यानी लिखित लिया जाता था उसी प्रकार से लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों वही सब्सिडरी पेपर की बात करें, पार्ट वन और पार्ट टू में तीन दो सब्सिडरी पेपर होते हैं और साथ ही कंपोजिशन पेपर होते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोग को ओएमआर सीट पे होगा, यानी यूनिवर्सिटी इस बार आप लोग को सब्सिडरी पेपर और कंपोजिशन पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, 100 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वही बात करें जिस पेपर में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है सब्सिडी पेपर में, तो उसमें आपको 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। वही बात करें कंपोजिशन पेपर का जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश और मैथ जो 50 अंकों के लिए होगा उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थर्ड वाले के लिए गेस पेपर कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पहले नंबर पार्ट वन वाले स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा कि उनका ऑनर्स क्या होता है, किसी में एक सब्जेक्ट को लूँगा और उसमें सारा डिटेल में अभी क्लियर करूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर नंबर वन है और ये आप लोग देख सकते हैं पेपर नंबर टू। तो चलिए पेपर नंबर वन को ओपन करते हैं, जहाँ पे आपको सीरियल नंबर से दे दिया गया है क्वेश्चन और इसमें जो जो VBI क्वेश्चन है वहाँ पर VBI क्वेश्चन लिख दिया गया है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना है कि पार्ट वन में जो एग्ज़ाम लिया जाता है आपको, वह उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और 5 क्वेश्चन में सबसे नंबर जो पहला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसके लिए इस रेखा प्रकाशन की गैस पेपर में आप लोग लास्ट में अगर देखें तो आपको लगभग 200 के आसपास यानी 190 के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है। तब का जो ऑनर्स पेपर में 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सलूशन हो पाए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप यहां देखें तो आपको जो VBI क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे ये VBI क्वेश्चन है, तो इसके बारे में यहां पे क्वेश्चन और आंसर के साथ सलूशन किया गया है जहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि ये बराबर 2016, 2017 और 2019 में पूछा गया है। हो सकता है तो ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा जाएगा, जहाँ पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसमें आपको कुछ इस तरह से यानी 2016 में पूछा है, 17 में पूछा है और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपको 2021 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है इस गैस पेपर में इंक्लूड किया गया है। चलिए वही बात करें यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर नंबर टू, इसमें भी दोस्तों आपको उसी तरह से यहाँ पर जितने भी VBI क्वेश्चन है सीरियल वाइज से आपको दे दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे सेम पेपर यानी आपका जो दो ऑनर्स पेपर होंगे दोनों में आपको 10 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके लिए भी सकते हैं 136 आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है और इसमें भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, तो आप लोग इसमें देख पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे 16वीं सदी में भौगोलिक खोजों के उद्देश्यों एवं कारणों का परीक्षण करें, ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है तो इस बार आपका फिर से पूछा जा सकता है। उसी प्रकार दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मैं और दिखाने का कोशिश करता हूँ, तो ये ओनली आपको रेखा प्रकाशन के बुक में ही मिलेगा और इसलिए आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से एक क्वेश्चन जो दर्शाया गया है, जेम्स प्रथम का अपनी संसद के साथ संबंधों का विवेचन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से VBI क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और साथ ही दोस्तों आपको पीछे में यहाँ पे बहुत सारा काफ़ी ऑब्जेक्टिव दिया गया है ताकि आप लोग जो आपका ऑनर्स पेपर में 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसकी तैयारी आप लोग कर पाएंगे। चलिए इसी में आपका पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर हो जाता है और साथ ही साइकोलॉजी सब्सिडरी आपका पेपर नंबर टू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे साइकोलॉजी पेपर नंबर टू भी है हमारे पास उपलब्ध, तो इसका भी मैं
कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस बार हो सकता है तो यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिस क्वेश्चन से आप लोग का एग्ज़ाम लेगी। तो अगर आप लोग ये रीड कर लेते हैं और जहाँ पे VBI क्वेश्चन है और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर करने में कोई समस्या नहीं होगी। अतः यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दे दिए गए हैं बहुत ज़्यादा, तो लगभग यहाँ पे 220 ऑब्जेक्टिव दे दिए गए हैं ताकि आप लोग का जो समस्या का है वो सॉल्व हो सके। और ओनली रेखा का ही गैस पेपर में आपको इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्सिडी पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों RB हिंदी होता है जो कि 50 मार्क का होता है, और वही RB इंग्लिश ये भी 50 मार्क का होता है। इस दोनों पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग हिंदी पेपर में 50 नंबर के क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे, 284 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें शब्द के लिए अनेक शब्द एग्जांपल के साथ दिया गया है, आप लोग इधर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची शब्द भी दिया गया है, और इसके साथ ही मुहावरे का लोकाकृत भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप लोग इसके माध्यम से रीड करके और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है, और वही यहाँ पे लगभग यहाँ पे 284 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, और आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन का बुक उपलब्ध हो गया है, तो आप लोग जाए परचेज कर सकते हैं। और वही आपका इंग्लिश पेपर भी 50 नंबर का होता है कंपोजिशन, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 135 इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोग इसे परचेज करके रीड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। और वही बात करें पाठर के, अगर स्टूडेंट होंगे तो उनका भी GS पेपर, आप लोग के लिए GS पेपर होने वाला है मस्त ही। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इंग्लिश का GS पेपर ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है चैप्टर वाइज चैप्टर। वही बात करें आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, VBI क्वेश्चन और साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आर्ट्स साइंस और कॉमर्स वाले के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने अधिक क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे जाकर परचेज कर सकते हैं।